डंफर से कुचलकर एक की मौत, एक घायल। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में समदा चौराहे पर ओवरलोड बालू लदे डंफर चालक ने साइकिल सवार बाप बेटी को रौंद दिया। इस हादसे में बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दुर्घटना कर भाग रहे डंपर को पुलिस ने पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया है। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के घना के पुरवा गांव निवासी रिजवान अहमद पुत्र जुम्मन अपनी बीमार बेटी सानिया को साइकिल से समदा दवा कराने गए थे। वहां से घर वापस होते समय समदा चौराहे के नहर रोड पर पास में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ओवरलोड बालू लदे डंपर ने बाप बेटी को कुचल दिया। इस हादसे में सानिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और रिजवान गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद डंपर चालक डंपर लेकर वहां से भागने लगा, जिसको ग्रामीणों ने पीछा करके पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना मंझनपुर क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है और डॉक्टर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही, ड्राइवर गिरफ्तार हो गया।